सुबह ये पुल गांव आ दिया भाई साहब। तो भाई वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो भाई आज है संडे और हम कर रहे हैं आज संडे राइड। कितने महीनों बाद भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, महीने ही हो चुके, आई थिंक 6 महीने हो चुके। तो मैंने लास्ट संडे राइड करी थी, मुझे भी नहीं पता मैंने लास्ट संडे राइड कब की है। तो एनीवे भाई, आप लोगों को पता है लास्ट की 2 वीडियो से मैं क्यों अपनी राइड नहीं कर रहा हूँ या कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो भाई ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे, जिन लोगों ने मेरी वीडियो की रिक्वेस्ट की थी, जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पर DM किया था या पर्सनल कॉल किया था, ये वीडियो उनके लिए है भाई साहब, है ना, राइड उनके लिए। तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं टोका साहिब नियर नारायणगढ़, जो वन ऑफ माई बेस्ट लोकेशन है मेरे घर के पास में, जो है, जो मेरे को पसंद है। एंड और वहाँ से हम लोग जाएंगे मोरनी हिल। टोका साहिब से जो गुरुद्वारा जाते हैं ना हम, मैं यहाँ तक कि वहाँ पे गुरुद्वारे में बहुत बार होके आया हूँ, कम से कम 5-6 बार ही हो आया, लेकिन फिर भी भाई वही है ना कि फेवरेट प्लेस है आपका, आपको वहाँ पे बार बार जाना पसंद है ना। तो अभी मैं करा लेता हूँ रिफ्यूलिंग और उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। तो भाई लोग, हमने करा ली अपनी स्कूबी की रिफ्यूलिंग भाई साहब, और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना राइड पर जाने के लिए। मैं ना कल रात को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि भाई राइड पर जाना है, तो इसीलिए ना मैं रात को 2 बजे सोया हूँ कल। मेरे को कल नींद नहीं आई एक्साइटमेंट के मारे, क्योंकि जब राइड में मेरे को जाना होता ना तो मेरे को पता नहीं क्यों नींद नहीं आती है। और ऐसा मैंने ना कुछ व्लॉग्स जो मैं देखता हूँ ना उन लोगों के मुँह से भी सुना, या फिर जो मेरे साथ राइड करते हैं उन लोगों से भी सुना है कि राइड से पहले नींद नहीं आती किसी को, क्योंकि ना एक्साइटमेंट होती है भाई राइड पर जाने की। नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स अ मीटिंग पॉइंट, जहाँ पर हमारा मीटिंग पॉइंट है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और एक और बात मैं बता दूं, हमारे जो सुमित भैया है ना भाई, उन्होंने लिया है नया बीस्ट भाई साहब, मतलब सेक्सी, मतलब क्या कह रहे हो लड़के भाई, मतलब सुमित भैया ने नई बाइक ली है। और होए भाई, पैसा हो तो इतना हो वरना ना हो, मतलब हर साल बाइक बदलनी है। अभी पिछले साल इन्होंने ली थी एडवेंचर 390, जिसकी हम डिलीवरी लेने गए थे सोलन, जिस दिन हमारा चलान कटा था ओवर स्पीडिंग का। अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी भाई, जाके देख लेना, हमने फाइन भरा था भाई ओवर स्पीडिंग का। भाई जान, आप रोड देख रहे हैं, क्या ही प्यारी रोड है ना भाई, भाई साहब मतलब रोड देखो, ओए भाई, एक फोटो तो बनती है यहाँ, एक फोटो बनती है भाई, क्या ही प्यारी रोड है यार, सीरियसली भाई साहब ये पेड़ से क्या कवर कर रहे हैं ना इस रोड को। तो भाई सिमरन भैया और सुमित भैया आ चुके हैं, सिमरन भैया ऑन हिज डोमिनार एंड सुमित भैया ऑन हिज न्यू बीस्ट। सिमरन भी अपनी डोमिनार चला रहे हैं, सुमित भैया भाई अपनी नई बाइक चला रहे हैं इंटरसेप्टर 650। भाई साहब सारे कंग्रेचुलेशन भर दो कमेंट सेक्शन में सुमित भैया के, भाई साहब ब्लैक एंड रेड क्या प्यारा कॉम्बिनेशन है ना, आए हाय। और भाई हमारा बैग देखो कितना प्यारा लग रहा है छोटू सा, भाई साहब क्या रॉयल फील आ रही है ना बाइक की फीचर से, मतलब ड्यूल एग्जॉस्ट ऑन, मतलब भाई लुक बन गई भाई बाइक की, मतलब ऐसे तो बाइक की लुक ऑलरेडी है, लेकिन ऐसे ना मतलब बहुत, मतलब देखी होगी उनकी, हाँ अगर कोई पीछे से बाइक देखता है ना तो जज करता भाई, महंगी बाइक जा रही है, 2 साइलेंसर लगे ये देख रहे हो, मतलब क्या कह रहे हो भाई, हाय हाय क्या प्यारी लग रही है। सुमित भी आप देखेंगे मेरे ब्लॉग में अपना साइड एंगल की, वो साइड एंगल से कैसे लगती है इस बाइक के ऊपर। तो भाई ये है साइड एंगल इस बाइक का, हाय हाय। भाई मैं अकेला बंदा हूँ ऐसा जिसने राइडिंग जैकेट पहनी है, और भाई ना सिमरन भैया ने डाली है ना सुमित भैया ने डाली है। भाई मैं फाइनली ना इस दिन का बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहा था कि मैं कब सुमित भैया और सिमरन भैया के साथ राइड करूँ। भैया राइड करने पे नहीं आ रहे थे, सिमरन भैया कहीं पे बिजी थे, सुमित भैया भी अपने कहीं बिजी थे, भाई एक हम ही अकेले फ्री रहते हैं सारे टाइम। और भैया का तो भाई सब यूट्यूब कंटेंट ही भाई किश्तों में आता, मतलब एक्सक्लूसिव कंटेंट है ना, समझ रहे हो। पिछले साल भैया ने पूरे साल में 1 वीडियो डाली है, एक पता नहीं 2। भाई ये वाली लाल लाइट ना, हम जब भी आते हैं नारायणगढ़, जब भी हमें हमेशा लाल ही मिलती है। लो भाई हो गई ग्रीन आज, लेकिन वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन लाल जरूर मिली। तो भाई यहाँ पे ऑफ रोडिंग हो चुकी है शुरू, और मतलब देख रहे हम कहीं भी जाते हैं वहाँ पे ऑफ रोडिंग आती आती है, तो हमें इतना ज़्यादा लगाव है ना ऑफ रोडिंग से, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हमने तो इससे भी गंदी गंदी करी है। A few moments later. हम लोग ना अभी गुरुद्वारे से निकल चुके हैं एंड
अभी हम जा रहे हैं मोरनी की साइड, तो ये पता नहीं सिमरन भैया कौन से रास्ते से लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से मतलब रास्ता छोटा भी है, अभी ना थोड़ा सा ऑफ रोड है, और कौन सा जाके रास्ता कनेक्ट होगा उस रोड से तो वहीं देख रहे हैं। अभी आगे देखो कैसे मतलब ऊपर की तरफ चढ़ाई है और ऑफ रोड है चढ़ाई करते हुए, मतलब नीचे बहुत ज्यादा बड़े बड़े पत्थर है। तो भाई अब हमारी बारी है ऊपर चढ़ने की, ऐसे मतलब ऑफ रोड है पूरा, देख रहे हो कितने बड़े बड़े पत्थर है। शाबाश, आइए छोटी सी नौ सौ। सामने देख रहे हो क्या ही क्लाउड हो रहे हैं, सिर्फ उतने ही पार्ट में क्लाउड है, बाकी कहीं नहीं है, बाकी छोटे मोटे टुकड़े हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई जो सामने सेक्सी व्यू दिख रहा है ना भाई, भाई सम्मारुति देखो सेक्सी लग रही ना, क्यूट सी। भाई साहब क्या ही लोकेशन है भाई, देख रहे हो भाई क्या प्यारी लोकेशन है मेरे भाई। हाय हाय भाई साहब देख रहे हो, एक तो नीचे मिट्टी ग्रीनरी भाई, एकदम बारिशों के टाइम आया ना, बहुत प्यारा सीन है भाई। मैं ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं हिमाचल में हूँ, मेरे को उत्तराखंड की वाइब आ रही है भाई यहाँ पे, पता नहीं क्यों। अभी हमने नीचे पानी देखा ना, और हमारा कर गया नहाने का मन, तो हम नीचे जा रहे हैं, आप देखेंगे नहाएगा कौन। तो भाई ऐसा कुछ रास्ता है, हाय हाय स्लश भाई, व्यू नेक्स्ट लेवल भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। ओए हाय 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 पानी भाई, व्यू हाय हाय, क्या कह रहे हो लड़के, क्या ही कह रहे हो। काम 25 है, सुमित भैया के पास लड़कियां 36 है, वो भी हर साल आती हैं। अब सीधा जी 900 आएगी। तो भाई फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, अभी मतलब हम प्रॉपर तो नहीं पहुंचे हैं, अभी हमें आगे भी जाना है, हमें तो प्यारी सी लोकेशन दिखी, तो हम इसलिए हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है। और भाई जो व्यू है नेक्स्ट लेवल है, बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा है देखो, वहाँ तो सुमित भैया अपनी कलाकारियाँ कर रहे हैं, ठीक है। पानी बहुत चिल्ड है, अभी मैं वहाँ पर गए नहीं जाऊँगा। तो भाई साहब व्यू औसम। तो भाई हम अपनी बाइक के वहाँ से यहाँ पूरा ऑफ रोड करके तीनों बाइक के यहाँ ले आए हैं, और यहाँ प्यारा सा फोटो शूट कर रहा है अभी अभी। भाई लोकेशन आप देख सकते हो मेरे पीछे, और भाई मेरे फेस की हालत क्या गंदी हो रही है, मैं पूरा स्वेटिंग से भरा पड़ा हूँ पूरा इस समय। ये लोकेशन छोड़ के जा रहे हैं, मैं पूरा एक डेढ़ घंटा आराम से टाइम स्पेंड कर रहा है यहाँ पे, इतनी गर्मी है ना सीरियसली बता रहा हूँ। हाय हाय वेदर देख रही हो ऊपर, अच्छे से रील्स वगैरह बनाई वगैरह मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता ना भाई, फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट एंड रील्स मेरी इंस्टाग्राम पे आप लोग देखने को मिलेंगी, और अभी तक मिल भी रही है। और मैं इन सब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, आप लोगों से टाई अप में हूँ, टच में हूँ, आप लोगों से बातें करता हूँ, तो ज़रूर फॉलो कर लेना। भाई साहब ब्रिज, लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हो। तो भाई साहब ये देखो क्या ही सेक्सी व्यू है ना। तो भाई यहाँ पे बन रही है रील अपनी, भाई देखो तुम लोग तो सब्सक्राइब करते नहीं, तो हमें ऐसे पकड़ पकड़ के चैनल को सब्सक्राइब कराना पड़ता है, हम जस्ट ऐसे नॉर्मली वीडियो रील बना रहे थे, तो भाई से पूछा चैनल सब्सक्राइब करेंगे हमारा, तो इन्होंने बोला हाँ जी वीडियोस देखेंगे। भाई क्या प्यारी लोकेशन है यार, हाय अब तो रील इंस्टा पे मिलेंगी। यही जो लिखा जस्टिन यूट्यूबर, काफ़ी ज़्यादा आगे और गलत रास्ते पे। तो ये जो भैया बैठे हैं इन्होंने हमें रास्ता बताया कि ये बहुत लंबा है, आप पीछे से जाओ वो छोटा है। ये देखो वापस से ऑफ रोड शुरू हो चुका है, ये देखो, लेकिन यहाँ की ना लाल मिट्टी है ऑफ रोड की। ओए होए ओए होए, गा पाती है इसके अक्स, हमने निंजा का बेड़ा गर्क कर रखा ऑफ रोड कर करके। ऊपर जाना है नीचे जाना है, चलो जहाँ भी जाना है चलते हैं। तो भाई देखो हम लोग कहाँ फंस गए हैं, रास्ता ही नहीं मिल रहा हमें, कोई भी नहीं है आसपास। तो भाई पता नहीं हम कहाँ रास्ते में कैसे घूम रहा हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा है कहाँ जाना है, कौन से रास्ते पे हम आ गए हैं। भाई हमें ऊपर वाले पे जाना था, हम नीचे वाले पे चले गए थे, मैं तो बस क्लाउड के मैं चले रहा हूँ क्योंकि मेरे फेवरेट बादल हो रहे हैं भाई आसमान में। भाई सेटलिंग
बाइक को यार खड़े होकर चलाने का भी फील अलग है। मम्मी अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, एक प्लीज़ ऑफ रोड बाइक दिला दो ना। तो भाई रोड देखो कैसे वन वे हो गया, कितना छोटा सा रोड हो गया है। अब हम निकल रहे थे, बाइक वाला निकलेगा। रोड देख रहे हो, तुम्हारा भाई जाता है ना फिर सेक्सी सेक्सी लोकेशन पे। ये देखो हम लोग कहाँ ही आ गए हैं भाई साहब, ये देख रहे हो क्या सेक्सी लोकेशन है ब्रो। तो भाई अब हम इस लोकेशन से निकल रहे हैं एंड हियर इज माय स्कूबी। देखो गंदे तो हो चुके हैं राइड पे, और पहले भी गंदी थी क्योंकि मैंने एक दिन बारिश में निकाली थी ये रील बनाने के लिए। भाई व्यू क्या प्यारा है ना, ये देखो लोअर एंगल देखो, आए हाय सेक्सी व्यू भाई। हमने ये पुल क्रॉस कर लिया ना, ये पुल क्रॉस करते ही अब हरियाणा आ गया है। ये पीछे हिमाचल था, अब ये हरियाणा में एंटर कर चुके हैं अब हम। तो भाई इतनी देर से हम धूप में बाइक चला चला के परेशान हो गए, और अब देखो वेदर कितना अच्छा हो गया, ठंडा सा थोड़ा अच्छा लग रहा है ये वेदर, वरना गर्मी में परेशान हो गया था पूरा। पूरी टी शर्ट अंदर से मेरी गीली पड़ी है, अभी मैंने जैकेट खोल दी अपनी, मतलब ऐसे पहनी हुई है बस, वो उसकी जिप खोल दी है, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है, गीली हो रखी है ना अंदर से इसीलिए। तो भाई लोग अभी हम लोग उतर रहे हैं नीचे की तरफ, हम मोरनी हमने पीछे छोड़ दिया है और अब हम जा रहे हैं अपने अम्बाला की तरफ। टाइम हो रहा है 2:03, और मैं मतलब 8 का घर से निकला हुआ हूँ, तो आप देख लो भी कितनी देर लग जाती है हमें। हम कहीं पास में भी जाते हैं तो हमें टाइम लगता ही लगता है। व्लॉगर्स को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उनको कभी शूट करना है, कभी लोकेशन अच्छी होगी तो फोटोज़ क्लिक करनी है। भाई आप लोग व्यू देख रहे हो सामने, क्या ही प्यारा व्यू है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल व्यू। अभी हम देखो ऐसी कुछ लोकेशन पर रुके हैं, ये कुछ व्यू है सारा, ये हमारी स्कूबी खड़ी है, क्या ही प्यारा व्यू है ना। ये देखो भाई ऊपर देखो, क्या ही सेक्सी क्लाउड हो रहे हैं व्यू भाई। स्कूबी हमारी कितनी गंदी लग रही है, लेकिन बाइक गंदी है लेकिन कितनी प्यारी लग रही है भाई साहब, क्या ही प्यारा शॉट है यार, सीरियसली मैन। हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे पे और अम्बाला आने वाला है, बस हमने अम्बाला के लिए यहाँ से राइट टर्न लेना है। अम्बाला मुश्किल से 20 होगा यहाँ से। अभी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अगर पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस व्लॉग्स लेके आता रहूँगा। और कमेंट सेक्शन में बताया करो यार, आप लोग टच में रहा करो कि भाई आप लोगों को कैसी वीडियोज़ पसंद है, कैसी नहीं, कैसे व्लॉग्स देखना चाहते हो, किस टाइप के ट्रैवल रिलेटेड, मोटिफिकेशन रिलेटेड, जो भी चीज़ बोलोगे वही चीज़ आपके लिए हाजिर हो जाएगी।